अनारा जी, लोग कह रहे हैं कि आपने 200 करोड़ की ठगी की है, क्या कहेंगे अनारा? 200 करोड़ की ठगी की होती तो मैं भी यहाँ नहीं बैठी होती, किसी विदेश चली गई होती 200 करोड़ लेके। मैं सिर्फ एक ब्रांड एम्बेसडर थी एज ए डायरेक्टर, जो एंटरटेनमेंट सेक्टर में होता है, जो सेलिब्रिटीज़ करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रमोट करती हैं, और उसके लिए उनको महीने का कुछ जो भी उनका तय होता है वो मिलता है मंथली बेसिस पर। मेरा वैसा ही था एम्प्री मीडिया और एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। मैं उनकी डायरेक्टर थी, हूँ नहीं, मैं अगस्त में ही रिज़ाइन कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं उनकी सिर्फ जो प्रमोशन एक्टिविटीज़ में ही पार्ट लेती थी। मैं किसी भी जगह, मेरा उनके भी 2-2.5 महीने से कहीं आना जाना नहीं है मेरा, से जो प्रमोशन कंपनी को प्रमोट कर रही थी मैं सिर्फ। कंपनी में कहीं भी मेरे लीगल सिग्नेचर्स या कंपनी में मेरा कहीं भी कोई परसेंटेज कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ मंथली बेसिस पे थी। केस की मुझे कोई जानकारी नहीं है अभी तक, क्या केस हुआ है। कंपनी पे ज़रूर केस हुआ है, उसी आधार पे मैंने देखा कि आज सुबह से बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, और ये देने का इसलिए मकसद है मेरा एक्चुअली, कि लोगों को पता चले कि मैं इस कंपनी के साथ कहीं भी उनके फाइनेंशियल स्टेटस पे कहीं भी मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। मैं सिर्फ एक ब्रांड हूँ कंपनी का, और एज ए ब्रांड एम्बेसडर जो काम होता है एक एक्ट्रेस का, वो किया है मैंने। कंपनी कहाँ किसके साथ क्या इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ से क्या पैसा ले रही है, उसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है।